सो मुझे पता है कि आज की वीडियो तुम लोगों के लिए मोस्ट अवेटेड वीडियो है, जो कि है डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कैंपस टूर व्लॉग। सो वीडियो शुरू करने से पहले मुझे तुम लोगों को दो बातें बतानी है। फर्स्ट, आई एम यूजिंग दिस मैप टू मेक इट इजियर फॉर यू टू फॉलो मी थ्रू आउट द कैंपस। सेकेंड, दिस वीडियो इज डिवाइडेड इंटू 3 सेगमेंट्स, ऑल कॉलेजेस, कैंटीन्स एंड कैफेज, ऑल ग्राउंड एंड अदर थिंग्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते भाई, उनकी बहनों, मैं हूँ आपका पीएम व्लॉग्स। आइए कुछ नया देखते हैं। तो आज की डेट है 31st, आज है संडे। मेरे जो पीछे देख रहे हो ना, वो है डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस गेट, और यहाँ से अपन अंदर जाते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैंपस। तो ये वाला एंट्रेंस गेट है ना, बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है बाहर से। ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड अंकल आईडी वगैरह चेक करते हैं। आइए अब चलते हैं अंदर। तो आप जैसे ही अंदर आओगे ना गेट के, तो आप लोगों को पहले ये वाली बिल्डिंग दिखेंगी, डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वाली बिल्डिंग। जे बिल्डिंग के नाम से भी बुलाते हैं और मेन बिल्डिंग के नाम से भी बुलाते हैं। क्या ये कैंपस में बहुत सारे कॉलेजेस है, तो हर एक बिल्डिंग को एक एक नाम दे के रखा है, जैसे कि ABCD। अपन देखा ए से शुरू करते हैं और बाकी जितनी भी बिल्डिंग्स है वो मैं दिखाता हूँ। तो अपन शुरू करते हैं पहले राइट साइड से। यहाँ पे है ए बिल्डिंग। ओके, तो सबसे पहले कुछ ऐसा व्यू दिखता है, और यहाँ पे नीचे एक फाउंटेन भी है। और राइट साइड में अपन देखते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए पार्किंग एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। तो ये साइड है पूरा पार्किंग के लिए एंड तक के, और आज संडे इसलिए गाड़ियाँ नहीं दिख रही है, नहीं तो पूरा भरा रहता है ये। अभी हम लोग जा रहे हैं ए बिल्डिंग के तरफ, मतलब जो इंजीनियरिंग वाला पार्ट है ना, जितने भी बिल्डिंग्स आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज वाले, तो अपन वहाँ पे जा रहे हैं। प्लस उसी के साइड में निकल, मैं लेफ्ट साइड में आता है एक छोटा सा कैफे, मैं दिखाता हूँ वो कैफे वाले सेगमेंट में। और मैं राइट साइड में एक गार्डन है, ये गार्डन मैं दिखाता हूँ अपने गार्डन वाले सेगमेंट में। आइए, ओके। सो ये जो बिल्डिंग है ना, ये है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की ए बिल्डिंग बोलते हैं इसे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बिल्डिंग। ओके, सो ये वाली बिल्डिंग है बी विंग, ANTC की बिल्डिंग है। इसके जस्ट बाजू में देखा सी वाली आती है, जो है सिविल इंजीनियरिंग। इसके जस्ट बाजू में आती है डी, और ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। और इसके पीछे निकल एक और कैंटीन है, वो मैं बाद में दिखाता हूँ। और ये सारी जो भी बिल्डिंग्स है ना, ABCD, ये सब अंदर से कनेक्टेड है। और इसके जस्ट बाजू में अगर अपन आते हैं तो वो है ई वाली बिल्डिंग। सो ये वाली जो बिल्डिंग है, ये है ई बिल्डिंग, प्रतिष्ठान ऑफिस बोलते हैं इसे। फिर ये जो ब्लू वाली बिल्डिंग आती है ना, ये है डॉक्टर डीवाई पाटिल आर्ट्स कॉम एंड जूनियर कॉलेज है। इधर ने क्या 11th 12th होता है। ओके, ये वाली बिल्डिंग है YB पाटिल पॉलीटेक्निक्स की, और यहाँ पे निकल एडमिन ऑफिस और कैंपस डायरेक्टर सर भी बैठते हैं। और इसी के जस्ट अपोजिट साइड में और एक गार्डन आता है, वहाँ पे सरस्वती जी है। ओके, सो ये अपनी पॉलीटेक्निक वाली बिल्डिंग के जस्ट बाजू में देखे एक कैंपस कैफेटेरिया है, और ये वाला मैं अंदर जाके तो कैंटीन वाले सेगमेंट में बताऊँगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये है वर्कशॉप डिपार्टमेंट। पे नहीं क्या जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं यहाँ पे रखते हैं ये सब। इधर साइड में वर्कशॉप डिपार्टमेंट लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट वाली विंग में। फिर अपना कैंपस कैफेटेरिया के जस्ट बाजू में आती है डॉक्टर डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यहाँ पे फार्मेसी की पढ़ाई वगैरह होती है। फिर इसके जस्ट बाजू में अपनी आती है मेरी वाली बिल्डिंग, जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। तो आइए वो दिखाता हूँ।
तो ये वाली है हमारी बिल्डिंग और इसके जस्ट सामने नहीं क्या एंट्रेंस आता है, और अभी अपन वहां से ऐसा घूम के ऐसा पूरे बिल्डिंग दिखा के यहाँ पे आए हैं। अभी अपन चलते हैं इसके अंदर। तो ये वाली बिल्डिंग है डॉक्टर डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च। यहाँ पे मेरी भी क्लास है जैसे कि मैंने अभी बताया। सो ये जो डॉक्टर डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग है ना, वो है फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर के लिए, एंड यहाँ पे जो लिखा है डॉक्टर डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वो है थर्ड और फोर्थ फ्लोर के लिए। तो जैसे ही तुम लोग बिल्डिंग के अंदर आते हो ना, तो सबसे पहले तुमको गणपति बप्पा मिलते हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं जब पेपर लिखते हैं, ऐसा पैर वैर पढ़ने मार्क्स वार्क्स देते हैं ऐसा। तो मेरे राइट में और मेरे लेफ्ट में दोनों तरफ से एंट्रेंस है न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज का, और थर्ड और फोर्थ फ्लोर जाने का लिफ्ट और रास्ता यहाँ से ही है। तो ये है अपना स्वागत प्लाजा, और यहाँ पे निकल न्यू एडमिशन्स होते हैं। यहाँ पे रिसेप्शन डेस्क है, और इधर साइड में थोड़े से कैबिन्स है, और यहाँ पे बैठने की जगह भी है। इधर एक दो कैबिन है, और यहाँ से ऊपर से कुछ ऐसा व्यू है। ये वाला थर्ड फ्लोर है, ऊपर वाला फोर्थ फ्लोर है। तो अब चलते हैं अपन थोड़ा सा लाइब्रेरी वगैरह दिखा। सो अभी हम लोग आए हैं लाइब्रेरी में, और यहाँ पे नहीं क्या तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। मतलब तुमको अगर बुक्स पढ़ना है तो बुक्स भी पढ़ सकते हो, तुमको लैपटॉप चलाना है, कुछ काम करना है वो भी कर सकते हो। यहाँ राइट साइड में देखोगे ना तो यहाँ पे लाइब्रेरी है, तो आ जाओ देखो। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये है फैकल्टी के लिए। मतलब फैकल्टी को अगर बुक्स वगैरह पढ़ना है तो यहाँ पढ़ सकते हैं वो। इधर साइड अपनी लाइब्रेरी है, नहीं क्या सब बुक सेल्फ को डिवाइड करके रखा है, जैसे कि ए बी सी डी, और यहाँ पे इंजीनियरिंग साइंस की बुक्स है, फिर बायो टेक्नोलॉजी और रेफरेंस कलेक्शन है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, फिर यहाँ पे डिज़ाइंस की बुक है, और यहाँ पे सर हमारे लाइब्रेरी के इंचार्ज। हेलो सर। सो ऐसी कुछ दिखती है अपनी लाइब्रेरी। तो ये है वो प्लेस जहाँ पे हम लोग हमेशा फोटो खिंचवाते हैं, और इतनी अच्छी फोटो आती है ना कि क्या बताओ। कुछ भी अगर इवेंट है ना तो सब यहाँ आके फोटो खिंचाने लग जाते हैं बस। इधर साइड में अपना वॉशरूम है, और इधर साइड थोड़े से क्लासेस हैं, मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से लेफ्ट साइड लोगे ना तो यहाँ पे प्रोफेसर्स के कैबिन है। सो ये वाला है अपना फोर्थ फ्लोर, जैसा थर्ड फ्लोर पे था वैसे ही फोर्थ फ्लोर पे सेम है एग्जैक्ट। मैं तुम लोगों को हमारा मीडिया रूम दिखाता हूँ जो अभी अभी बना है, तो चलो। सो ये है अपना मीडिया रूम, टीवी एंड स्टूडियो। सो एंटर करते हैं, आइए। तो हे गाइस, ये है हमारा मीडिया रूम, ये वाला रूम अभी अभी बना है। यहाँ पे हम लोग इंटरव्यू ले सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन भी लगने वाली है यहाँ पे, तो वो भी यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कंट्रोल रूम है, इक्विपमेंट्स आने वाले हैं बहुत जल्द। और ये वाले रूम में नहीं क्या एको नहीं होता है, तो ये रूम की ये खास बात है। और यहाँ पे थोड़े लाइट्स वाइट्स लगा के रखे हैं। बस ये वाला मीडिया रूम है, बहुत सही लगता है मुझे यहाँ पे। वाली बिल्डिंग है डॉक्टर डी वाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ एमसीए एंड मैनेजमेंट के जस्ट पीछे अपन आते हैं ना, तो ये वाली जे के जस्ट सामने में आता है एक गार्डन, और इधर पार्किंग एरिया भी है, और इधर एक और बिल्डिंग है वो मैं दिखाता हूँ। एमसीए वाली बिल्डिंग और जे बिल्डिंग के बीच में से एक रोड जाता है, और यहाँ से अगर आप लेफ्ट लोगे ना तो वो सीधा कैंटीन है, और एक वहाँ पे मिलता है। सो अब मैं आप लोगों को बिल्डिंग दिखाता हूँ, आर्किटेक्चर एंड एग्रीकल्चर वाली बिल्डिंग, और उसी के साथ साथ मैं अभी मैंने बताया यहाँ से एक रास्ता जाता है कैंटीन के लिए, वो कैंटीन भी उधर ही है। सो मेरे पीछे वाली जो जगह तुम लोग देख रहे हो ना, ये है ओपन स्पेस बोल सकते हो, जहाँ पे थोड़े छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं। सो फर्स्ट फ्लोर पे आता है आर्किटेक्चर, और सेकंड फ्लोर पे आता है एग्रीकल्चर वाली बिल्डिंग। और इसके जो पीछे है ना, वहाँ पे एक छोटा सा कैफे है, और एक चिलिंग स्पॉट भी है। सो ये है अपना चिलिंग स्पॉट, यहाँ पे नहीं क्या हम लोग बैठते हैं इधर, और इधर एक छोटा सा कैफे भी है। और आप पीछे अगर देखोगे ना तो यहाँ पे हमारी कैंटीन है, वो मैं कैंटीन वाले सेक्शन में दिखाऊंगा।
अभी अपन है एक पीछे के एंट्रेंस से आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के, पार्किंग एरिया भी मिल जाता है और इधर से आप अगर सीधा जाओगे ना तो आप सीधा मेन गेट पर पहुंच जाओगे। सो ये जो पीछे वाली बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये है डॉक्टर डी वाई पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर की एंट्रेंस। यहाँ पे लिखा है एक ग्रेफिटी, बहुत सही है। तो ये है वो ग्रेफिटी बोल सकते हैं अपन। इधर जैसे ही अपन सामने आते हैं ना तो ये वही वाली जगह आ जाती है जहाँ पे इवेंट्स होते हैं छोटे मोटे। ओके, सो जैसे कि मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग में कहा था आप लोगों को कि एविंग से पहले निकल एक कैफ़े भी आता है, तो ये है कैफ़े टाइमलेस और इसके जस्ट बाजू में निकल एक स्टेशनरी शॉप भी है, DYP स्मार्ट स्टोर, पेन पेंसिल जो भी लेना है स्टेशनरी है। कैफ़े के जस्ट बाजू में निकल बहुत ओपन स्पेस है जहाँ पे तुम लोग अच्छे से बैठ के कुछ भी खा पी सकते हो, तो यहाँ पे चिल भी कर सकते हो जैसे ये ग्रो कर रहा है। सो जैसे कि मैंने कहा था ना, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के जस्ट पीछे में एक और कैंटीन है, तो वो कैंटीन ये वाली है। ओके, सो अभी मैं हूँ डीवाई पाटिल के ग्राउंड पे और यहाँ पे निकल सरस्वती माता है। ये जो ग्राउंड है ना, ये जस्ट कॉलेज ऑफ फार्मेसी के डायरेक्ट सामने है। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। ओके, सो ग्राउंड नंबर 2 पे जुड़ा हुआ है ये ओपन स्टेज जहाँ पे इवेंट्स होते हैं एंड इसके आसपास काफ़ी सारे पेड़ है। बहुत खूबसूरत जगह है चिल करने के लिए लेक्चर्स के बाद और कभी भी बंक मार के समटाइम्स, बट हाँ चिल करने के लिए बहुत प्यारी जगह है।